हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में हम गरुड़ा मॉल जा रहे हैं जो कि यलंका में है, और हम वहां पर मूवी देखने जा रहे हैं। मुझे बहुत साल बैंगलोर में हो गए हैं और मुझे पता नहीं था कि गरुड़ा मॉल यलंका में भी है। वैसे अगर आप बैंगलोर से हैं तो आप जानते ही होंगे कि MG रोड में एक गरुड़ा मॉल है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत फेमस है। हमें वैसे 20-25 मिनट का टाइम लग गया वहाँ पहुँचने में, और हम गरुड़ा मॉल पहुँच गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनॉक्स टॉप फ्लोर पे है और जहाँ हमें जाना है। लोकेशन वाइज ये वैसे ठीक है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं था और काफ़ी ओपन स्पेस था। मॉल तो डिसेंट था, पर जब भी हम एस्केलेटर से जा रहे थे ये स्टॉप हो जा रहा था और स्टाफ बार बार आकर उसे रीस्टार्ट कर रहे थे। वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई एंड स्टाफ वॉज काइंड इनफ टू हेल्प अस। जैसा कि मैंने बताया कि मॉल काफ़ी डिसेंट था, तो अब ग्राउंड फ्लोर के बारे में बताओ तो वहाँ पर सुपरमार्केट है। अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको अटायर सेक्शन मिल जाएगा। अटायर सेक्शन में आपको मेंस वुमेंस जो भी कपड़े चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। और अब हम उस फ्लोर पर आ चुके हैं जिसके लिए हम आए थे, मिशन इम्पॉसिबल। हम मूवी मिशन इम्पॉसिबल देखने आए हैं। अब मैं मिशन इम्पॉसिबल मूवी के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे, टॉम क्रूज़ ने ये रियल स्टंट्स किए हैं और ये रियल स्टंट्स के लिए उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। अगर डिटेल में बताऊँ तो उन्होंने 30 जंप्स पर डे, 500 स्काई डाइविंग और 13,000 मोटोक्रॉस जंप्स किए हैं। सो गाइज, मूवी तो बहुत ही अच्छी थी और रियल स्टंट थे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, और ये मूवी काफ़ी थ्रिलर मूवी थी। आप भी देखिएगा क्योंकि ये मूवी मस्ट वॉच है, और देखेंगे कि पार्ट 2 में क्या होता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो गाइज, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।